नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 62 62वां लेक्चर, जो कि बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के सिलेबस में है। देखिएगा, कल अपने जो इसका देखा था देवितिया, इसकी जो अपने कह सकते हैं बॉडी वाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि बॉडी वाल जो होती है इसके अंदर तीन लेयर पाई जाती है। हल्का सा उसको रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले बाहर की ओर हमने देखा स्किन होती है। स्किन जो होती है उसके अंदर भी चार लेयर्स होती हैं। पहले कौन सी होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, फिर एपिडर्मल सेल लेयर होती है, फिर उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में क्यूटिस होती है, क्यूटिस के बाद में क्या होती है, सब क्यूटिस, ठीक है। तो स्किन जो है ये इन चार या पाँच लेयर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में स्किन के ठीक नीचे का भाग क्या होता है, क्यूटिस होता है। क्यूटिस के ठीक नीचे क्या होता है, सब क्यूटिस पाया जाता है। और सब क्यूटिस के जो नीचे लेयर होती है वो मसल लेयर होती है, जिसके अंदर आपको बताया था उल्टे वी आकार की क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। और उसके अलावा आपको बताया था कि जो इसकी सबसे अंदर का भाग है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी देहभित्ति के अंदर तीन भाग होते हैं, स्किन, उसके अलावा मसल लेयर और जिसको अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने थोड़ा सा इसका एक टीएस सेक्शन, टीएस ऑफ एम्फियोक्सिस, ताकि इसके अंदर अपने को थोड़ा सा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या विसरल ऑर्गन्स हैं, और साथ में अपनी इसके अंदर दो कैविटी पाई जाती है, सिलोमिक कैविटी, और एक बात करेंगे इसमें हम एट्रियल कैविटी, उसको थोड़ा सा देखना है। तो वो इस डायग्राम से क्या है उसकी स्थिति क्लियर हो जाती है कि कैसे वो संरचना में पाई जाती है। तो एक तो अपने को सिलोम और एक अपने को देखते हैं एट्रियल कैविटी और एक अपने को मेटाप्लूरल फोल्ड और एक अपने को जो कह सकते हैं इंटेस्टाइन जो है उसकी पोजीशन देखनी है अपने को कि किस पोजीशन में पाए जाते हैं। तो मेन जो डायग्राम है ये वैसे डायग्राम सिलेबस में नहीं है, परंतु समझाने के या समझने की दृष्टि से बहुत ही उचित डायग्राम है। सबसे पहले देखिएगा, ये एनिमल का डोर्सल व्यू, ये कौन सा होता है, वेंट्रल व्यू होता है। आपको दिख रहा है डोर्सल व्यू और ये कौन सा है, वेंट्रल व्यू। हमने टीएस सेक्शन लिया है, टीएस ऑफ एम्फियोक्सिस और फोर सिलोम एंड एट्रियल कैविटी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करिए डोर्सल पोजीशन है, ये कौन सी होती है, इसकी वेंट्रल पोजीशन। डोर्सल पोजीशन के अंदर ये डोर्सल फिनरेबॉक्सिस आ जाती है, ये नर्व कॉर्ड की पोजीशन होती है, ये इसकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो अपने देख चुके हैं सेक्शन के अंदर अपने को दिख रहे ऊपर की ओर नर्व कॉर्ड है, नीचे की ओर क्या है, नोटो कॉर्ड है। उसके बाद में देखिएगा ये इंटेस्टाइन की पोजीशन होती है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम की ये पोजीशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लेटरल व्यू में और वेंट्रल व्यू में, कहाँ पर, केवल पार्श्व में और अदर सतह पर। कौन सी कैविटी पाई जाती है, एट्रियल कैविटी पाई जाती है जो कि केवल कहाँ होती है, मिडगट कह दें या आंत्र कह दें, आंत्र के या फेरिंग्स के या पाचन तंत्र के कह सकते हैं कि पार्श्व में और दोनों पार्श्व में और अदर सतह पर केवल क्या पाई जाती है, इसके अंदर एट्रियल कैविटी पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें कि जो सिलोमिक कैविटी है, सिलोमिक कैविटी आप देख सकते हो ये पूरा एरिया जो है ये क्या कहलाता है, सिलोमिक कैविटी कहलाता है। इसके अंदर वास्तविक गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर हालांकि सिलोमिक द्रव भरा जाता है और साथ में विसरल ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो मेटाप्लूरल फोल्ड आपको दिख रहे हैं, दो हैं ये देहभित्ति के फोल्ड, दोनों साइड में आपको दिख रहे हैं, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड में है। तो दोनों साइड में दो फोल्ड होते हैं, अब दोनों फोल्ड क्या होते हैं, अंदर की ओर इस तरह से कुंडलित हो जाते हैं, दो लिप्स का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं लिप्स ऑफ एट्रियोपोर, यानी एट्रियल कैविटी के दो लिप्स नुमा संरचना ये पाई जाती हैं, और ये फोल्ड ही आगे जाकर के एट्रियल कैविटी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं एक्चुअल में। तो मेटाप्लूरल जो फोल्ड हैं वो पहले लिप्स का निर्माण करते हैं और लिप्स के बाद में वो अंदर की ओर फोल्ड होकर किसका निर्माण करते हैं, इसे एट्रियल कैविटी का निर्माण करते हैं। और एट्रियल कैविटी मैंने बता दिया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दोनों लेटरल पोजीशन में और वेंट्रल पोजीशन में ही पाई जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि
स्किन के अंदर दोनों चीज़ अपने को दिख रही है, बाहर की और एपिडर्मिस दिख रही है, नीचे क्या है ये ड्रमिस दिख रही है, ड्रमिस के नीचे फिर आपको बताया था मसल लेयर आ जाती है, ये दिख रही है आपको, और मसल लेयर के नीचे यहाँ क्या आ जाता है विसरल पेरिटोनियम मसल्स, ये आपको दिख रही है। तो ये मसल्स हैं और दो मसल्स के बीच के अंदर क्या पाए जाते हैं मायो सेप्टा पाए जाते हैं, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद में ये नोटोकॉर्ड की पोजीशन, ये नर्व कॉर्ड की पोजीशन। तो अपनी ये जो है जो आप मुख्य मुख्य अंग हैं जो इस डायग्राम के अंदर अपने को शो हो रहे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो कि मेटाफिलरल फोल्ड के अंदर आपको बताया था लिम्फ या लसिका भरी रहती है, क्या भरी रहती है लसिका, जो कि आपको बताया था कि स्पित दाब उत्पन्न करती है, कब जब ये किसी भी नम स्थल में क्या बनाता है अपना बिल बनाता है, तो उस वजह से एक दाब उत्पन्न किया जाता है इस लसिका के द्वारा। तो वो दाब जो है वो इस मेटाफिलरल फोल्ड के अंदर पाई जाने वाली लसिका स्पित दाब उत्पन्न करती है। तो ये इसकी क्या है जनरल एक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें थोड़ा सा सिलोम की, तो सिलोम जो है वो आपको दिख रही है कहाँ पाई जाती है, इस पूरे शरीर के अंदर पाई जाती है और यानी पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो वास्तव में इसके अंदर एंटेरोसिलोमिक होती है। इसकी जो देह गुहा होती है क्या होती है अंतरीय गुई के गुई एनिमल्स होते हैं, क्योंकि अंतरीय गुई एनिमल्स में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि भ्रूणी अवस्था में मिडगट के दोनों और दो पाउच डेवलप होते हैं जिनको फोल्डी पाउच या एंटेरोसिलोमिक पाउच कहते हैं। वो पाउच धीरे धीरे आकार में बड़े होकर किसका निर्माण करें सिलोम का निर्माण करें, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं एंटेरोसिलोमिक एनिमल्स कहलाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जंतु विकसित होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो ये देगुआ होती है ये पाई तो जाती है, परंतु इनके अंदर अगर हम ब्रैंकियल स्टोमा की बात करें तो इसके अंदर जो देगुआ होती है वो एक नलिकीय रूप में व्यवस्थित होती है। किस रूप में व्यवस्थित होती है, नलिकीय रूप में व्यवस्थित होती है। इसके अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम या यूँ कहते हैं फेरिक्स के जो नीचे का भाग होता है उसको हम एंडोस्टाइल कहते हैं। तो एंडोस्टाइल के ठीक ऊपर क्या होता है एक नलिकानुमा संरचना के रूप में पाई जाती है जिसको कहते हैं सब एंडोस्टाइलर सिलोमिक कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सब एंडोस्टाइल सिलोमिक कैनाल कहते हैं। और सब एंडोस्टाइल सिलोमिक कैनाल जो है वो सिलोमिक कैनाल्स जो होती हैं लेटरल सिलोमिक कैनाल की सहायता से डोर्सल सिलोमिक कैनाल्स के साथ जुड़ रहती है। डोर्सल सिलोमिक कैनाल्स जो होती हैं वो फेरिक्स से ठीक क्या होती है ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या है TS सेक्शन। अब देखिएगा इसके अंदर मैंने बताया आपको कि जो इसका सिलोमिक कैविटी होती है वो नलिकाओं के रूप में मोस्टली इसके अंदर दिखाई देती है। और इसके अंदर ये नलिकाएं यूँ कह सकते हैं तीन तरह की होती हैं, दो डोर्सल सतह में पार्श्व में होती है जिसको डोर्सल सिलोमिक कैनाल कहते हैं, और एक वेंट्रल पोजीशन पे होती है जो कि क्योंकि इस इंटेस्टाइन के नीचे या फेरिंग्स के ठीक नीचे एंडोस्टाइल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सब एंडोस्टाइलर सिलोमिक कैनाल। और दोनों तरफ की डोर्सल सिलोमिक कैनाल और सब एंडोस्टाइलर जो कैनाल्स होती हैं वो आपस में लेटरल सिलोमिक कैनाल्स या यूँ कह सकते हैं अपने सिलोमिक कैनाल्स इन प्राइमरी गिल बार से होकर के एक दूसरे को क्या रहती है वो जोड़े हुए रहती है। अगर इसको थोड़ा सा अपने बनाने का यहाँ प्रयास करें जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से होती है इसमें।
इस तरह से होती है। तो ये डोर्सल सिलोमिक कैनाल्स हो जाती हैं, डोर्सल सिलोमिक कैनाल। ये कौन सी होती है? सब एंडोस्टाइलर सिलोमिक कैनाल, और ये सिलोमिक कैनाल इन गिल बार। इस तरह से ये होती है। तो ये दोनों जो होती हैं ये डोर्सल पोजीशन पे होती हैं, यानी इस एरिया के अंदर होती है, यहाँ होती है, और ये जो सब एंडोस्टाइलर होती है वो इस जगह में होती है, यानी इंटेस्टाइन के ठीक नीचे। और ये जो एंडोस्टाइलर जो कैनाल होती है वो इस साइड की सिलोमिक जो कैनाल्स होती है जो गिल बार के अंदर से होकर जाती है। गिल बार के ये अपने आगे डिस्कस करेंगे जब इतने इसका फेरिक्स को पढ़ेंगे तो वहीं हम आए नाम आएगा। तो गिल बार के अंदर से होकर के क्या है कि राइट साइड की जो डोर्सल सिलोमिक कैनाल है वो एंडोस्टाइलर या सब एंडोस्टाइलर सिलोमिक कैनाल से जुड़ती है। ठीक इसी तरह जो लेफ्ट साइड की जो सिलोमिक क्या कहते हैं अपने डोर्सल सिलोमिक कैनाल होती है वो लेफ्ट साइड के अंदर ही जो सिलोमिक कैनाल इन गिल बार से होकर के जाती है वो एंडोस्टाइलर से जुड़ी रहती है। एंडोस्टाइलर कैनाल जो होती है वो फेरिंग्स के ठीक नीचे स्थित होती है, वो एक होती है, वो वेंट्रल पोजीशन पे होती है। और ये दोनों डोर्सल सिलोमिक कैनाल होती है, ये संख्या में कितनी होती है? दो होती है, और डोर्सल पोजीशन के ऊपर पाई जाती है। तो ये एक अपने इसकी क्या जनरल स्ट्रक्चर है। अब अपने जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। ऑफ एम्फीऑक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है मोस्टली इसी में से आता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके। तो उसको अपने डिस्कस करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें इसको दो भाग में माना जाता है। सॉरी इसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो होती है, और एक क्या इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल। तो दोनों को अपने बात करें, पहले एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा वाक कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड को जिसको मिडगट डाइवर्टिकुलम या जिसको लीवर भी कह सकते हैं इसका, तो ये एकमात्र इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? इसका एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसको इसका आहार नाल कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको पाचक ग्रंथि कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दो भागों में बांटा जाता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीऑक्सिस के दो भाग हो गए, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और दूसरा भाग कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइवर्टिकुला जिसको हम लीवर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल या इसकी आहार नाल। अब इसकी आहार नाल की यदि हम बात करें तो आहार नाल के अंदर कौन कौन से भाग इसके अंदर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले इसका भाग होता है माउथ। सबसे पहला भाग कौन सा है इसका? माउथ। दूसरा इसका भाग है ओरल हुड। दूसरा भाग कौन सा है इसका? ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी। ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी ये इसका कौन सा भाग हो गया? दूसरा भाग हो गया। तीसरा विलम एंड एंटेरोस्टोम। विलम एंड एंटेरोस्टोम
विलम एंड एंटेरो स्टोम, ये इसका कौन सा भाग होता है? थर्ड भाग होता है। इसका जो नेक्स्ट भाग होता है फोर्थ भाग, वो कौन सा होता है? फेरिंक्स होता है। फोर्थ भाग कौन सा होता है? फेरिंक्स। फोर्थ भाग कौन सा है? फेरिंक्स या गर्सनी, जिसको हमने कहा जाता है, जो सबसे बड़ा इसका भाग होता है। फिफ्थ है ओसोफेगस। सिक्स्थ है इंटेस्टाइन। और सेवंथ अपना इसका है एनस। सेवंथ भाग कौन सा इसका? एनस। अब थोड़ा से क्या है कि चलो अपने मुख है, फेरिंग्स, ये नाम सारी सुने हुए हैं। जो मैन जो इसके नाम है, कुछ इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मुख, ओरल हुड को कहा जाता है मुख छद, व प्रगुहा, मुख गुहा। विलम को विलम ही कहा जाता है, विलम व आंतरीय मुख। इसको गर्सनी कहा जाता है। इसके अलावा ओएसोफेगस की बात करें, इसको गर्सिका कहा जाता है, इसको आंत्र, और इसको क्या कहा जाता है? गुदा। ये इसके क्या होते हैं? सारे सात पार्ट होते हैं किसके? इसके पाचन तंत्र के। तो अपने पहले इसके बात कर रहे थे पाचन तंत्र में, सबसे पहले बात करें हारनाल की, तो हारनाल के ये सात भाग है, माउथ, ओरल एंड बक्कल, ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी, विलम एंड एंटेरोस्टोम, फेरिंक्स, ओएसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस। ये सारे क्या होते हैं? इसके भाग होते हैं किसके? इसके पाचन तंत्र के। अब देखिएगा पाचन तंत्र की यदि हम बात करें इसके, तो पाचन तंत्र जो है इसके अंदर सबसे पहला भाग कौन सा होता है? मुख होता है इसका। मुख की यदि हम बात करें तो मुख इसके अंदर कहाँ खुलता है? इसकी जो मतलब यूँ कह सकते हैं मिड वेंट्रल पोजीशन जो होती है, या यूँ कहते हैं कि मैं वेंट्रल पोजीशन पर इसके अंदर क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। और जो मुख होता है ये आपको पता ही है कि भोजन को क्या है? लेने का कार्य करता है। और ये जो अपने थोड़ा सा और अगर बोलें तो तुंड हम नाम आया था, रोस्ट्रम या तुंड नाम आया था आपने अगर याद है तो तुंड के नीचे मिड वेंट्रल पोजीशन के अंदर ये पाया जाता है। और जो किससे घिरा होता है? ये झालरनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम बक्कल सिरी कहते हैं, जो हम नाम वैसे पढ़ चुके हैं पहले। और साथ में ये किससे अस्त्रित होता है? ओरल हुड से अस्त्रित होता है। तो मुख क्या है? जो अगर सिरे पर पाया जाता है, और अगर सिरे पर कहाँ उपस्थित होता है? ये रोस्ट्रम के ठीक नीचे वेंट्रल पोजीशन के ऊपर मुख इसका पाया जाता है। दूसरी संरचना क्या होती है इसकी? ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी। अब देखिएगा ओरल हुड एक्चुअल में क्या है? हुड का मतलब जिसको मुख छद भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है? मुख छद कहा जाता है। अब ओरल हुड चीज़ क्या होती है कि जो इसका अगर छोर होता है, किसका अगर छोर? अगर छोर की यूँ कह सकते हैं त्वचा जो होती है, वो पृष्ठ और पार्श्व सतह की जो त्वचा होती है, यानी ये जंतु है मान लें अपने, इस तरह से ये डायग्राम अगर अपने बनाए, इस तरह से इसका अगर सिरा इसी तरह होता है अपने अगर याद है तो, ये रोस्ट्रम है। तो इसके अंदर क्या होता है? अग्र सिरा जो ये दिख रहा है आपको, अग्र सिरे के यहाँ पर मुख पाया जाता है, इस तरह से क्या होता है? मुख पाया जाता है। तो अग्र सिरे की पृष्ठ और पार्श्व जो सतह होती है वो क्या है? इस तरह से प्रक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेपित का मतलब एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर की ओर निकल जाती है, इस तरह से। यहाँ अगर थोड़ा सा इसको बनाए तो इस तरह से यूँ, इस तरह से अगर अपन थोड़ा सा इसको देखें, इस तरह से प्रक्षेपित हो गई है। ये आगे रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम आगे नुकीला भाग होता है, तो ये प्रक्षेपण हो गया। तो पृष्ठ सतह ऐसे भी हो गया, और ये कौन सी सतह होगी? पार्श्व लेटरल साइड होगी, और ये कौन सी होगी? पृष्ठ सतह। प्रक्षेपित का मतलब होता है बाहर की ओर निकलना, प्रक्षेपित होना का प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। तो प्रोजेक्शन हो जाता है या प्रक्षेपित हो जाते हैं। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो पृष्ठ सतह और पार्श्व सतह वो क्या थोड़ी सी आउटग्रोथ करके इस जो नीचे का भाग होता है उसको घेर लेती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ओरल हुड। हुड जैसे अपने
एक ट्रैक्टर वगैरह के ऊपर लगाते हैं जो एक छतरी सी, तो वो हुडी होता है। हुडी के अंदर क्या है एक्चुअल में, अब हम देखते हैं कि एक छतनुमा संरचना बन जाती है। तो ठीक वैसे ही छतनुमा संरचना अगर सिरे पर जो बनती है उस, और वो बनती किसके कारण है, पृष्ठ और पार्श्व सतह की जो त्वचा या आवरण होता है वो इसका निर्माण करता है। तो ओवरऑल हुड समझ में आ गया होगा। अब बात आती है बक्कल कैविटी, मुख छदि के बाद में क्या आती है इसकी मुख गुहा। अब मुख गुहा बताने की जरूरत नहीं है, बक्कल कैविटी मुख के अंदर का भाग जो खाली स्थान भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। तो बक्कल कैविटी जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा कि बक्कल कैविटी जो होती है, अब ये बहुत थोड़ी विशेष होती है इसके अंदर कि बक्कल कैविटी जो होती है ये इसके अंदर बक्कल सिरी वेस्टिब्यूल और व्हील ऑर्गन तीन चीज़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तीन चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है बक्कल कैविटी की। यदि हम बात करें बक्कल सिरी, दूसरा वाक्य होता है इसका वेस्टिब्यूल, और तीसरा वाक्य होता है इसका व्हील ऑर्गन। क्या होता है, व्हील ऑर्गन। अब इन तीनों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये बक्कल कैविटी के भाग होते हैं, मुख गुहा के भाग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बक्कल सिरी। बक्कल सिरी ये जैसे मैंने बनाए 10 से 11, कितने होते संख्या के अंदर, ये 10 से 11 जिनको ओरल या बक्कल सिरी कहा जाता है। और ये क्या होता है एक्चुअल में, 10 से 11 होते हैं जो कि इस मुख के क्या होते हैं दोनों तरफ इस तरह से निकले होते हैं। और ये काइटिन की बनी जो, या यूँ कह सकते हैं कि जिलेटिन की बनी हुई छड़ें जो हैं वो इनको आधार प्रदान करती हैं। किसकी बनी हुई, जिलेटिन की बनी हुई छड़ें जो हैं इसको सहारा देती है। और ये 10 से 11 जोड़ी होते हैं, 10 मतलब यूँ कह सकते हैं लेफ्ट में होते हैं, 10 ही कहाँ होते हैं, राइट में होते हैं। और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, संवेदी अंकुरक लगे होते हैं। जैसे अपने स्ट्रक्चर अगर डिटेल में बात करेंगे, संख्या कितनी होती है 10 से 11 जोड़ी, 10 से 11 जोड़ी का मतलब 10 लेफ्ट में होते हैं, 10 ही राइट में होते हैं। और इनको सहारा देने के लिए जिलेटिन की छड़ियाँ होती हैं इनके अंदर, और ये सहारा इनको प्रदान करती है। और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, संवेदी अंकुरक। अब संवेदी अंकुरक है उनका काम क्या आपको पता ही होना चाहिए। अंकुरक का मतलब क्या होता है, हल्के हल्के उभार, जैसे एक अपने यूँ बनाई इस तरह से, इसके इसी तरह से, ये इस तरह से संवेदी अंकुरक होते हैं। और इसके अंदर ये जिलेटिन की बनी क्या होती है, छड़ होती है इस तरह से। तो ये संवेदी अंकुरक हो गए, और ये जिलेटिन की बनी क्या होगी, छड़ होगी। और ये क्या हो गया, एक ओरल सीरी एक का हमने बनाया है, वो डिटेल में आगे अपन देखेंगे। अब इसका काम क्या होगा कि ये इस तरह से दोनों तरफ मुख के दोनों तरफ इस तरह से लगे होते हैं, तो जिसके कारण जो जल अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि ये जल के अंदर रहता है, तो जो जल अंदर जब प्रवेश करेगा तो एक प्रकार से उसको जल को क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। कौन, ओरल सीरी। और साथ में इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, संवेदी अंकुरक। तो संवेदी अंकुरक क्या करेंगे कि जल के अंदर जो भी यूँ कह सकते हैं कि एलिमेंट मौजूद होते हैं उनकी संवेदना इनको ज्ञान कराते हैं कि ये जल लेने योग्य है कि नहीं है। लेने योग्य का मतलब ये हुआ कि अगर वो जल की पीएच है, जल में जो भोज्य पदार्थ हैं उनके कारण से जल का जो टेस्ट कह सकते हैं वो यदि जंतु के यूज़ करने योग्य है तो वो जल अंदर आएगा, अन्यथा उसको ये संवेदी अंगूर वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। और जो भोजन के बड़े कण हैं वो इन ओरल सिरी के द्वारा छान लिए जाते हैं। तो बक्कल सिरी का काम यही है। दूसरा है वेस्टिब्यूल या प्रघाण। वेस्टिब्यूल या प्रघाण का मतलब क्या होता है कि जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर का जो खाली स्थान होता है वो क्या होता है, एक्टोड्रम से अस्तित्व होता है। और एक्टोड्रम से अस्तित्व होने के कारण, या यूँ कह सकते हैं कि इसको हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, क्योंकि मुखपथ भी कहा जाता है, यानी वास्तविक मुख इसके अंदर किसको माना जाता है, वेस्टिब्यूल या प्रघाण को माना जाता है एक्चुअल में, क्योंकि ये किसके द्वारा अस्तित्व होता है, इसके अंदर एक्टोड्रम के द्वारा क्या होता है, अस्तित्व होता है। और इसको ही क्या माना गया, ट्रू माउथ या वास्तविक मुख माना गया है। और वेस्टिब्यूल या प्रघाण क्या होता है, प्रघाण का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक खाली स्थान होता है, और खाली स्थान जब मुख के अंदर पाया जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वेस्टिब्यूल या प्रघाण कह सकते हैं। तो अंदर की ओर खाली स्थान जो कि एक्टोड्रम द्वारा अस्तित्व होता है वो क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल। अब बात आती है व्हील ऑर्गन। अब व्हील ऑर्गन क्या है, व्हील का मतलब होता है एक चक्रीय, ऑर्गन का अर्थ होता है अंग, इस तरह से एक चक्रीय अंग होता है। और ये वास्तव में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कार्य भी बता देता हूँ, इस तरह से दिखेगा अपने को, इसके बक्कल कैविटी या प्रघाण के अंदर होता है। काम क्या होता है कि पहले तो इसका निर्माण कैसे होता है, जो बक्कल कैविटी की उपकला होती है वो इस तरह से उंगली नुमा उभार के रूप में इन संरचनाओं का निर्माण करती है, और वो संरचनाएँ आपस में मिलकर के यदि उसका सेक्शन काटा जाए तो इस तरह से चक्र के रूप में दिखाई देती है। और वास्तव में ये बना किसका है, प्रघाण की उपकला कोशिका, उपकला जो स्तर है उससे मिलकर के क्या है, ये बना होता है। और इसके अंदर ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। तो व्हील ऑर्गन का कार्य क्या है, संरचना तो कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे हुआ,
जो उपकला लेयर है किसकी, प्रघान के अंदर की, वो उपकला लेयर जो है वो अंगुली नुमा उभार के रूप में लटक करके एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है जिसको व्हील ऑर्गन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, व्हील ऑर्गन कहा जाता है। और कार्य क्या है इसका कि इसके अंदर इस प्रकार से इन जो उंगली नुमा उभार है उनके अंदर इस प्रकार से मूवमेंट होते हैं राउंड शेप में या गोलाकार रूप में, तो जिसके कारण जो जल है उसका मूवमेंट कहाँ हो जाता है, मुख की ओर होता है, यानी जल जो है वो मुख की ओर प्रवेश करता है। तो ये इसका क्या है, व्हील ऑर्गन। तो कल अपने और इसका आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।